बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना। चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपक लाल चौकसी ने, छोड़ गए ना, और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल ये है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपक लाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।